नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं, चेक बाउंस जब हो जाता है तो क्या होता है, अगर आप पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने खुद ने चेक फाड़ा है तो आपके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बातें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन मित्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अच्छी अच्छी जानकारी हम उनको देते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेक जो होता है, चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक। और चेक इसकी विषय वस्तु है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी परक्रम लिखित अधिनियम, इसके अंतर्गत धारा 138 के तहत ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, अगर आपने चेक गलत इंटेंशन से काट दिया है तो। अब मैं पहले आपको बताऊं कि चेक जब भी आप भरें तो पूर्ण सावधानी के साथ में भरें, चेक को उसकी जब आप डेट डालते हैं या चेक पर नाम लिखते हैं तो उसमें काटा पीटी नहीं होना चाहिए, यानी आप उसमें करेक्शन नहीं करेंगे। अगर चेक गलती से ख़राब हो गया है तो आप उसको फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन आप उसमें करेक्शन मत कीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप चेक की डेट पर करेक्शन करके उस पर इनिशियल सिग्नेचर भी करते हैं तो भी वो चेक बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जब आप चेक को किसी के फेवर में दे रहे हैं तो चेक में नाम, उसका अमाउंट और डेट, तीन चीज़ें आती हैं, तीनों चीज़ों को आपको बहुत सावधानी से लिखना है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हो तो बेहतर है। पहली चीज़ हो गई चेक किस तरीके से दिया जाए। दूसरी चीज़ पे आते हैं हम कि जब चेक हम किसी व्यक्ति को देते हैं उसके फेवर में तो हमारे अकाउंट के अंदर एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए, यानी हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए का चेक दिया तो हमारे अकाउंट में कम से कम 11,000 रुपए होना चाहिए। अब 11,000 रुपए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है बैंक के अंदर। बैंक की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत जब आपने किसी अकाउंट पर चेकबुक इशू करा रखी है तो उसमें 1,000 मिनिमम बैलेंस आप रखेंगे। अगर आप 1,000 मिनिमम नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चेक पूरा पास हो जाएगा। अगर 10,000 है और 10,000 का चेक काटा है, चेक पास हो जाएगा, लेकिन आपको नुकसान ये होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। फिर बैंक आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस भी ले सकता है, क्योंकि आपको उसमें जो मिनिमम बैलेंस रखना था वो बैलेंस आपने नहीं रखा, इस वजह से बैंक चाहे तो आपके कुछ चार्जेस भी आपके अकाउंट से डिडक्ट कर सकता है। इस असुविधा से बचने के लिए आप उसमें 1,000 मिनिमम बैलेंस ज़रूर रखें। इसके आगे आप अमाउंट का जो भी चेक काटते हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो चेक पास होगा आपका। अब मान लीजिए इनसफिशियंट फंड है, 5,000 रुपये अकाउंट के अंदर है और 10,000 का चेक आपने किसी के फेवर में जारी कर दिया है, तो आप इस बात को यकीन माने कि आपका चेक बाउंस होगा। चेक बाउंस होने पर क्या होता है कि जब चेक बाउंस होता है तो बैंक आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस डेबिट करती है, यानी कुछ चार्जेस लेती है आपसे, और जो जिस व्यक्ति के फेवर में चेक काटा गया है उसके भी अकाउंट से कुछ पैसे काटे जाएंगे। उसके बाद एक मेमोरेंडम बैंक बना करके उस व्यक्ति को देगा जिसके फेवर में चेक दिया गया था, और वो मेमोरेंडम में एक कारण लिखा लिखा होगा, उस कारण को बताएंगे वो कि इनसफिशिएंट फंड के कारण ये डिसऑनर हुआ है, या मान लीजिए आपने सिग्नेचर उसमें डिफर कर दिए, सिग्नेचर में आपने अगर गलती कर दिया चेक भरते समय, आप ध्यान रखिए कि अगर आपने चेक में जो साइन किए हैं वो साइन मिसमैच हो गए बैंक के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर,
उस चेक पर किए गए साइन और आपके अकाउंट में किए गए साइन साइन के अंदर दोनों में भिन्नता पाई गई तो भी चेक बाउंस हो जाएगा और तब भी आप पे 138 के प्रावधान आकर्षित होंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ये बोलते हैं कि चेक मेरा मैंने नहीं दिया है तो ये कोई बचाव नहीं है कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसका रीजन है चेक आपने जिस जो दिया है आपके अकाउंट पे वो जारी हुई है चेकबुक और आपने किसी के फेवर में दिया है, तो ये आपका बचाव नहीं है कि साहब सिग्नेचर मेरा नहीं है इसलिए ये चेक मेरा नहीं है या चेक सिग्नेचर में भिन्नता है, तो ये भी डिसऑनर की परिधि में आएगा। डिसऑनर की एक अच्छी खासी लिस्ट दी गई है, 20-25 कारण उसमें बैंक ने बताए गए हैं, कई बैंक ने 16 कारणों की लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें सारे सबके रीजन दिए होंगे कि आपका चेक किस वजह से वापस किया जा रहा है, मतलब जिसके फेवर में दिया गया था तो उसको भुगतान क्यों नहीं किया गया, उसका एक रीजन होता है, मेमोरेंडम बनता है उसका, वो मेमोरेंडम जो है मेमो जो है वो दिया जाता है, रिटर्न मेमो कहते हैं उसको, चेक रिटर्न मेमो कहते हैं उसको, वो दिया जाता है किसको, पार्टी को जिसके फेवर में चेक काटा गया है। तो डिसऑनर होने की दो वजह मैंने आपको बता दी, एक चेक में जो सिग्नेचर डिफर होंगे, दूसरी बात मान लीजिए कहीं कोई काटा पीटी आपने कर दी, सर डेट पे आपने करेक्शन कर दिया वो रिजेक्ट हो जाएगा, चेक चेक डिसऑनर होगा। फिर इनसफिशिएंट फंड तीसरी वजह, चौथी वजह, मैं सारी वजह आपको नहीं बताऊंगा लेकिन तीन चार जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक होशियारी मार दी कि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया और चेक देने के तुरंत बाद आपने दूसरे दिन जाके अकाउंट क्लोज करा दिया। अब उस बंदे ने मान लीजिए 5 दिन बाद चेक आपके अकाउंट मतलब अपने अकाउंट में लगाया और चेक कलेक्शन के लिए आपके अकाउंट में आया, तो उसमें रीजन आएगा अकाउंट क्लोज्ड। ठीक, अब अकाउंट क्लोज्ड अगर आ गया तो क्या होगा, तो भी 138 के प्रावधान आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आप के अगेंस्ट में सारी कार्रवाइयां वही होंगी जो हो सकती हैं। तो खैर डिसऑनर का रीजन कुछ भी होगा, डिसऑनर होता है चेक और किसी भी ऐसी वजह से जो 138 की परिधि में आती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका नुकसान हो सकता है। अब 138 में करना क्या है कि जब किसी व्यक्ति के फेवर में चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया, तो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसको एक लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस आपको भेजना पड़ेगा कि भाई हमें आपने ये चेक दिया था, इसका नंबर ये है और हमने आपको ये पैसा दिया था, उसके एवज में आपने हमें ये चेक दिया, जब हमने इसको अपने बैंक में पेश किया तो उससे हमें ये इस कारण से इसको वापस कर दिया गया, इसलिए हमें भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए आप इसका पैसा 15 दिन के अंदर हमें भुगतान करें, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट में कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। जब 15 दिन का समय देने के बावजूद भी 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है उस चेक के अगेंस्ट में, तो फिर फरियादी यानी परिवादी को ये पूरा राइट है कि वो कोर्ट के अंदर जा करके अपनी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट फाइल करेगा वो JMFC के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उसको कंप्लेंट करनी है, या फिर वो जो भी वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन उसका रखा गया है उन जज के आगे वो जाएगा, मजिस्ट्रेट के आगे सॉरी जाएगा और जा करके अपनी कंप्लेंट करेगा। अब कंप्लेंट फाइल हो गई, कंप्लेंट फाइल भी करने के 30 डेज उसको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए 15 डेज आपके वो निकल गए जब मियाद आपको दी गई कि 15 दिन का नोटिस दिया गया, उसके बाद भी अगर आप नहीं जागते हैं और उसका पैसा लौटाते हैं, तो वो 15वें दिन के बाद से यानी 15 दिन निकालने के बाद 30 दिन और हैं उसके पास, 30 दिन के अंदर कभी भी कंप्लेंट कर सकता है, यानी 45 डेज तक एक्शन लिया जा सकता है। 15 डेज वो छोड़ने पड़ेंगे नोटिस देने के बाद, प्लस 30 डेज ये, तो ऐसे करके 45 डेज के भीतर भीतर आप केस कभी भी फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको पैसा देना है तो अपना सेटलमेंट जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अदरवाइज केस लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में केस फाइल होगा उसके बाद आपके अगेंस्ट में एक समन जारी होगा। समन पर अगर आप कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो अगर आप अपीयर नहीं होते हैं उस केस में, तो फिर जमानती वारंट आएगा आपका, जमानती वारंट में भी आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका अरेस्ट वारंट आएगा और अरेस्ट वारंट पे आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ये तो हो गई पूरी पिक्चर कि आपके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। वहां कोर्ट में जाने के बाद में अगर आप चाहें तब भी उस लेवल पे कंप्रोमाइज के लिए बोल सकते हैं।